दोस्तों बिग बॉस ओटीटी में आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका इस हफ्ते तो हमें काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, बात की जा रही है वीकेंड के वार एपिसोड की, और आज सैटरडे हो चुका है और वीकेंड के वार एपिसोड की शूटिंग होनी है। और दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि वीकेंड के वाले एपिसोड के दौरान सलमान खान घर वालों की हफ्ते भर की गलतियों पर उनकी जमकर डांट और फटकार लगाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बार यानी कि आज के वीकेंड के वाले एपिसोड के दौरान सलमान खान के पास ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनके ऊपर घर वालों की क्लास लगने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे पहला नंबर का जो मुद्दा है वो है अभिषेक, जिया और आकांक्षा का। जी हाँ दोस्तों, नॉमिनेशन टास्क की घर के अंदर इन तीनों ने मिलकर डिस्कशन की थी, जिसके ऊपर बिग बॉस ने भी तीनों को एक हफ्ते के लिए नॉमिनेट किया था, यानी कि इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर दिया था। तो ये पहला मुद्दा होगा जहाँ पर सलमान खान इन तीनों की क्लास लगाने वाले हैं। दूसरा मुद्दा यहाँ पर होने वाला है फलकनाज और अविनाश का। दरअसल फलकनाज और अविनाश ने जिस तरीके से फुकरा इंसान के लिए जननी शब्द का इस्तेमाल किया था, इसके साथ एक और शब्द का इस्तेमाल किया था जो कि मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता था, उस मुद्दे पर यहाँ पर फलकनाज से चर्चा होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पूजा भट्ट से भी इस बार सलमान खान खास बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो घर के अंदर वुमन कार्ड खेलती है वो कहीं ना कहीं सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वहीं दोस्तों जिया शंकर, अब बात करते हैं जिया शंकर की, तो आपको बता दें कि जिया शंकर जिस तरीके से इस हफ्ते खेली है इधर का उधर करने वाला गेम, यानी कि जिस तरीके से दोगलापन दिखाया है, उसके ऊपर सलमान खान जिया पर काफ़ी ज़्यादा बड़ास निकालने वाले हैं और उसकी हकीकत घर वालों के सामने लाएंगे। वहीं दोस्तों इसके अलावा सलमान खान घर वालों की मिलकर टास्क के लिए भी डांट लगाने वाले हैं, क्योंकि घर के अंदर जो टास्क हुआ था डेयर वाला, उसमें जिस तरीके का परफॉर्मेंस दोनों टीम ने की थी, कहीं ना कहीं सलमान इससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों बेबिका की भी इस बार ज़्यादा क्लास लगने वाली है, क्योंकि बेबिका घर में हर किसी को पॉक करती है, हर किसी के झगड़े में अपनी टांग अड़ाती है, उस मुद्दे पर यहाँ पर बेबिका की भी क्लास लगनी है। आकांक्षा पुरी, इनको कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आकांक्षा पुरी ने तो वो कांड कर दिए हैं जो कि बिग बॉस के इतिहास में महज केवल एक ही बार हुआ था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर आकांक्षा पुरी का मुद्दा क्या है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं तारीफ की, कि यहाँ पर सलमान किसकी तारीफ करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि फुकरा इंसान की कैप्टनसी टास्क के दौरान जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी, जिस तरीके से उन्होंने घर वालों को कन्विंस किया था, वो चीज़ कहीं ना कहीं सलमान को काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सलमान खान घर वालों को बताएंगे कि कैप्टनसी का मौका अगर आप लोगों को किसी को भी मिलता तो आप उसे बिल्कुल भी मना नहीं करते। कोई भी घर के अंदर ऐसा पागल नहीं है जो कैप्टनसी को खुद के ऊपर आने पर रोकेगा। खैर दोस्तों ये कुछ अहम मुद्दे हैं जो कि इस बार सलमान खान के पास होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कितने मुद्दों पर घर वालों की क्लास लगती है। फिलहाल दोस्तों बिग बॉस के वीकेंड के बारे एपिसोड की हर एक अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।